इसराइल का दावा है कि उसकी बमबारी में हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचा। लेबनान में कोहराम मचा हुआ है और इस वक्त बेरूत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि इसराइल अब लेबनान की राजधानी को गाजा बनाकर छोड़ेगा। बस कुछ घंटे पहले यहां ऊंची बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी, अब सब खाक हो चुका है, राख हो चुका है। मलबे के बीच से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि हमला कितना विनाशकारी, कितना विध्वंसक था। सड़क के किनारे दूर दूर तक लेबनान की राजधानी इजरायली हमले के कहर से जार जार है। घुप अंधेरे में दक्षिणी लेबनान में सीरियल धमाकों का ये पार्ट टू है। बारूद फुलझड़ी की मानिंद बिल्डिंगों पर गिर रहा है। एक झटके में कंक्रीट की इमारतें रेत सी जमीन पर बिखर जाती हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में कई शक्तिशाली विस्फोट हुए। इजरायली सेना के मुताबिक उसने बेरूत के भीतर हिजबुल्ला के कई खुफिया ठिकानों और हथियार गोदामों पर हवाई हमले किए। हमले इसराइल की ओर से स्थानीय नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद हुए। इसराइल ने हमले का दायरा अब दक्षिण बेरूत से लेबनान के उत्तरी क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है। लेबनान के पहाड़ी इलाके अलमाद्या में इजरायली वायुसेना ने कुछ इमारतों को निशाना बनाकर बमबारी की। ।2006 में इजरायल और लेबनान का युद्ध हुआ था, तब ये पहाड़ी इलाका दक्षिणी लेबनान से पलायन करने वालों के लिए सुरक्षित जगह साबित हुई थी। बेरूत और दूसरी जगहों से लोग शरण लेने आए थे, लेकिन इस बार पहाड़ी इलाका भी इजरायली बमों से धुआं धुआं हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने अलमात्या में दो इमारतों पर बम गिराए। कानफोड़ू धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 8 लोगों का पूरा परिवार मारा गया और 12 दूसरे लोग घायल हो गए। इसराइल लेबनान में ठीक वही कर रहा है जो उसने गजा में हमास के साथ किया था। इजरायली डिफेंस फोर्सेज वही दलील लेबनान के लिए भी दे रही हैं जो वो कभी गजा के लिए दिया करती थी। दरअसल इसराइल का मानना है कि हिजबुल्ला के आतंकी लेबनान की बस्तियों में आम लोगों के साथ छुपकर बैठे रहते हैं और मौका पाते ही इसराइल पर अटैक कर देते हैं, इसलिए उनको वहीं पर नेस्तनाबूद करना बेहद जरूरी है। इसराइल लेबनान में इस वक्त वही कर रहा है जो उसने गाजा में किया। इजरायली डिफेंस फोर्स की लेबनान हमले को लेकर वही दलील है जो वो गाजा के लिए दिया करती है। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकी बस्तियों में आम लोग के बीच छिपकर हमले कर रहे हैं, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए हमले जरूरी हैं।
गाजा में 40,000 लोगों की मौत के पीछे भी इसराइल का तर्क है कि उसका टारगेट आम फिलिस्तीनी नहीं है, लेकिन हमास इन्हें ह्यूमन शील्ड यानी मानव दीवार की तरह इस्तेमाल करता है, जिसके द एंड के लिए इसराइली डिफेंस फोर्स का अटैक करना जरूरी हो जाता है। नतीजा है कि इसराइल तो जल ही रहा है, अब लेबनान के लोग भी बेमौत मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसकी वायुसेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर बेरूत में हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बमबारी की। आईडीएफ ने बेरूत और लेबनान के दूसरे इलाकों में हिजबुल्ला के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक माउंट लेबनान के किमातियह में इजरायली हवाई हमले में 3 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए। इजरायली बमबारी के बाद लेबनान में तकरीबन 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये 15 लाख विस्थापित लोग लगभग 800 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लेबनान की लगभग हर बड़ी इमारत को इजरायली सेना ने जमींदोज कर दिया है और ये सिलसिला लगभग 2 हफ्तों से लगातार चल रहा है। तो एक तरफ इसराइल ईरान को चेतावनी दे रहा, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला यह दावा कर रहा है कि इसराइल के सैन बेस उसके टारगेट पर आ चुके हैं। इसराइल कब क्या प्लान कर रहा है, सब उसकी निगरानी में है, यह उसका दावा है। ये वीडियो हिजबुल्ला की तरफ से जारी किया गया है। हाइफा कार्मेल क्षेत्र के इस वीडियो में उन ठिकानों को दिखाया गया है जहां इजराइल का सैन्य बेस। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर हिजबुल्ला के लगातार रडार पर हैं। और हिजबुल्ला के लड़ाके किसी भी वक्त इन अड्डों पर तबाही का बारूद बरसा सकते हैं। इस वीडियो को जारी करने का मकसद साफ है और वो ये कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला कितनी मजबूती से खड़ा है। और अब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला की स्ट्रेटेजी का नतीजा भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हाइफा से आई हैं जहां हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस हमले की सारी कहानी बताई है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल की टेरिटरी में 360 बारूदी हमले कर चुके हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इसराइल एयरफोर्स के हमले में गोलान टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले में हिजबुल्ला का अहम किरदार अदहम जहौत मार गिराया गया है। ये हिजबुल्ला की सीरिया में मौजूद टेरर सेल गोलान टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था। भले ही इजराइल लगातार हिजबुल्ला के कमांडरों को खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने आप में साबित कर रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को कवर फायर देने के लिए कई ताकतें लगी हैं, जिसमें ईरान का नाम सबसे ऊपर है। यही वजह है कि इजराइल का अगला टारगेट किसी भी वक्त ईरान हो सकता है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, डमी कैंडिडेट संतोष को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़े ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर एसओजी ने 4 ट्रेनी एसआई और एक डमी कैंडिडेट को कोर्ट में पेश किया था और जहां से कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 3 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा डमी कैंडिडेट संतोष को। डमी कैंडिडेट संतोष अब 3 दिन की रिमांड पर रहेंगे, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी और दावा यह किया जा रहा है कि पूछताछ में कई साक्ष्य जो हैं वो टीम को मिल सकते हैं। तो ट्रेनी एसआई मोनिका रेणु कुमारी चौहान और सुरजीत सिंह यादव नीरज कुमार यादव को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। डमी कैंडिडेट संतोष को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर बताया जा रहा है कि टीम की तरफ से 10 दिन का रिमांड मांगा गया था ताकि पूछताछ की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जा सके। और दावा किया जा रहा है एसओजी की तरफ से कि और भी साक्ष्य जो हैं इनसे पूछने के पूछताछ के बाद निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि जानकारी ये है कि ट्रेनी एसआई मोनिका रेणु कुमारी चौहान सुरजीत सिंह यादव नीरज कुमार यादव को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, तो वहीं डमी कैंडिडेट संतोष को बताया जा रहा है कि 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, पूछताछ की जाएगी अब इन सभी से। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले से जुड़े यह बड़ा अपडेट सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आज कोर्ट में पेश किया गया था डमी कैंडिडेट्स के साथ जो ट्रेनी एसआई थे उन्हें पेश किया गया था। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि 3 दिन के रिमांड पर जहां संतोष को भेजा गया है डमी कैंडिडेट के तौर पर, इनके वो बैठे थे एग्जाम में बताया जा रहा है उनको 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और वहीं 7 दिन की रिमांड पर जो अन्य आरोपी हैं उनको भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड जो है टीम की तरफ से मांगा गया था, हालांकि 7 दिन की रिमांड पर बाकी आरोपी और 1 दिन की रिमांड पर डमी कैंडिडेट को भेजा गया। जयपुर से ये बड़ी खबर है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आज जो है सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दावा ये किया गया था एसओजी की टीम की तरफ से कि 10 दिन की रिमांड जो है कोर्ट से मांगी जाएगी इन आरोपियों की। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विष्णु हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, संतोष को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, अन्य आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर, यह जानकारी आपके पास, क्या अपडेट इस मामले को लेकर के? विष्णु आवाज आ रही है अब तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से हमारा संपर्क विष्णु से टूट चुका है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 10 दिन की रिमांड पर मांगी गई थी आरोपियों की एसओजी टीम की तरफ से, हालांकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि डमी कैंडिडेट की जो रिमांड है वो 3 दिन की मिली है टीम को। 3 दिन में अब डमी कैंडिडेट संतोष से टीम जो है वो पूछताछ करेगी और पूछताछ में क्या साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। संवाददाता हमारे साथ विष्णु टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, आज एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में 4 ट्रेनी एसआई जिसमें सब इंस्पेक्टर मोनिका रेणु कुमारी चौहान सुरजीत सिंह यादव और नीरज कुमार यादव को कोर्ट में पेश किया गया था एसओजी की ओर से। वहीं पर एक डमी कैंडिडेट संतोष को पेश किया गया था। ऐसे कुल 4 ट्रेनी एसआई और एक डमी कैंडिडेट को पेश किया, जिनमें 4 ट्रेनी एसआई को 7 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है और वहीं पर डमी कैंडिडेट संतोष कुमार को कुमारी को 3 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। और पूरे मामले में आज करीब माने तो 6 घंटे बहस चली, 6 घंटे तक जिरह हुई, बीच बीच में होती रही। आखिरकार जो सीजीएम कोर्ट है उन्होंने सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया। तो 4 ट्रेनी ऐसा ही अब 7 दिन के रिमांड पर, यानी कि 17 तारीख तक एसओजी के रिमांड पर रहेंगे और वहीं डमी कैंडिडेट के रूप में पकड़ी गई संतोष कुमारी को 3 दिन तक रिमांड पर रहना होगा। जी, लेकिन विष्णु 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, शायद ये जानकारी थी एसओजी टीम की तरफ से। देखिए, बिल्कुल 10 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा गया था, लेकिन आज बचाव पक्ष के जो एसएस हो रहा उन्होंने यानी जो नीरज कुमार यादव की ओर से कहा कि ये जो गिरफ्तारियां हैं वो इलीगल हैं, अवैध रूप से इनको रखा गया था हिरासत में। तो तमाम गर्मा गर्म बहस के बाद, दलीलों के बाद में आखिरकार अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना है। जी, क्या मुख्य बातें रही थी दलीलों की, ये आप जानकारी सामने निकल कर आ पाई है क्या आपके सूत्रों के हवाले से? तो विष्णु हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि आरोपी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये गिरफ्तारियां जो की गई थी ये अवैध तरीके से की गई थी, इसी वजह से जो 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही थी
एसओजी टीम की तरफ से, ताकि पूछताछ जो है वो की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एसओजी की टीम से कहा जा रहा था कि पूछताछ जब इनसे की जाएगी तो ऐसी संभावना है कि और साक्ष्य मिलेंगे। चार मुलजिमों को जो एसआई ट्रेनी थे उनको गिरफ्तार करके पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने 17 तारीख तक पीसी दे दी। हमने इसमें ऑब्जेक्शन भी फाइल किया कि एसओजी मनमर्जी कर रही है, किसी की पूछताछ के आधार पर हर किसी को उठाई जा रही है, जबकि ऐसा कानूनन नहीं हो सकता। जब उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल किसी के नाम ले देने से किसी व्यक्ति को उठाना या किसी ट्रेनिंग ऑफिसर को उठाना उसके खिलाफ जाता है। संतोष को भी रिमांड ऑर्डर भेजें? जी, संतोष को भी रिमांड ऑर्डर। संतोष का रिमांड 3 दिन का है, 12 तारीख का है, उसके अलावा जितने भी थे उनको 17 तारीख का रिमांड दिया गया। तो ये बचाव पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये दलीलें दी गई थी कि जिस तरीके से एसओजी की टीम लगातार ट्रेनी एसआईज को उठा करके और उनसे पूछताछ कर रही है, ये गैर कानूनी है। 4 का 17 तक है बाकी 1 का 12 तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जयपुर से ये बड़ी खबर हमको बता रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती रद्द करने या ना रद्द करने पर जल्द फैसला हो सकता है। समीक्षा को लेकर मंत्रियों की कमेटी का काम जो है वो पूरा हो चुका है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही। कैबिनेट कमेटी ने एसओजी से फीडबैक भी लिया है, तो एसआई भर्ती पर जल्द फैसला हो ऐसी मांग है, बताया जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है पूरे मामले को लेकर के, एसओजी से भी कैबिनेट कमेटी ने फीडबैक लिया है ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मंत्रियों की मंत्रणा के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, जो हमारे पास आई तो आपने क्या माना है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई होगी? क्योंकि आपने देखो अलग अलग तरह के व्यूज आए, उन सबका संकलन किया है। सारी बातें जो किसी ने बताई है वो सारी बातों, अनेक लोगों ने कहा था गड़बड़ियाँ बहुत हुई, कुछ ने कहा साहब हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपने अपनी बातें कही। कितने फीसदी मानते हो गड़बड़ी हुई? नहीं, ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लॉ ने अपना दिया, अपना लॉ दिया, अलग लोगों ने दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसओजी ने अपना दिया, अलग अलग दिए, अलग अलग दिए। सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे, बाकी उचित स्थान पर उचित अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका निर्णय लेगी। वॉर जोन में मचे घमासान के बीच इसराइल से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। जानकारी है कि इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर से ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान पर इसराइल का हमला सटीक और चौंकाने वाला होगा। क्या इसराइल का अगला टारगेट ईरान है? क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामेनेई को सबक सिखाने वाला है इसराइल? क्या ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? अभी तक ईरान की मिसाइलें इसराइल की जमीन पर कहर बरपा चुकी हैं। अभी तक ईरान के रॉकेट इसराइल के आसमान को धुआं धुआं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इसराइल की सेना का आक्रोश सातवें आसमान को पार कर रहा है, उसकी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब इसराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान में इसराइल का हमला घातक, सटीक और चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि वे गलत थे। ईरान के हमलों में आईएएफ को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं। किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, ना ही किसी सैनिक या नागरिक को। यानी इसराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। इसराइल एयर डिफेंस कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अभी तक इसराइल के खिलाफ ईरान
दो बार मिसाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। आपको याद होगा कि ईरान ने 13 अप्रैल को सबसे पहले इजराइल पर हमले शुरू किए थे और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 का नाम दिया गया। ईरान ने इजराइल के जले पर नमक तब और छिड़क दिया जब उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सेना के ऑफिसर को मेडल देकर सम्मानित किया और यह मेडल खुद आयतुल्लाह अल खमेनी ने दिया। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मंत्री के बयान के बाद यह लगभग तय है कि अब तबाही का सायरन ईरान के अंदर बजेगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान की सेना इजराइल में अपनी मिसाइलों की बौछार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया इसी बात को लेकर आशंकित है कि आखिर इजराइल ने अपनी मिसाइलों का मुंह ईरान की तरफ क्यों नहीं मोड़ा। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बयान ये तस्दीक कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमला बेहद प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जाने वाला है और अभी तक इस प्लान को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन ईरान को आगाह भी किया गया है कि किसी भी वक्त ईरान के आसमान में इजराइल के शोले बरस सकते हैं।